हैं जो सामने आने की पूरी पूरी संभावना है। प्रीति ठीक है, पारस आप हमारे साथ बने रहेगा। मुंबई से ये बड़ी खबर न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की खबर है। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को जिला कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 23 जुलाई तक के लिए मुंबई पुलिस में रिमांड पर भेजा गया है। और ये आपको सीधे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका इंतजार राज कुंद्रा केस में सभी को है। मुंबई क्राइम ब्रांच जो इन्वेस्टिगेशन में तथ्य पाकर आगे इन्वेस्टिगेशन को बढ़ा रही है। राज कुंद्रा की इस मामले में गिरफ्तारी हुई, 3 दिन की उन्हें रिमांड पर भेजा गया। इस मामले में महत्वपूर्ण पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिस पर सबकी निगाहें, जिसकी तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। पुलिस को क्या तथ्य मिले, क्राइम ब्रांच ने किस तरह से इस पूरे नेटवर्क पर अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाया, इन तमाम सवालों पर और साथ ही साथ कैसे राज कुंद्रा का इन्वॉल्वमेंट है इस मामले पर, महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने वाली है। फेब्रुवारी 2021 मध्ये क्राइम ब्रांचने एक केस रजिस्टर केली होती मालवणी पोलीस स्टेशन अंतर्गत, जी पॉर्न फिल्म्स संदर्भात होती। त्या केसच्या तपासासंदर्भातच, त्याच्या प्रोग्रेस संदर्भात ही याची प्रेस कॉन्फरन्स आहे। त्या तपासामध्ये असं निष्पन्न झालं होतं की जे फिल्म्स मध्ये काम करणाऱ्या नवोदित कलाकार असतात, महिला कलाकार विशेष करून, त्यांना वेब सीरीज मध्ये किंवा एखाद्या शॉर्ट स्टोरीज मध्ये एक चांगला ब्रेक देतो असं आमिष दाखवून बोलवलं जायचं ऑडिशनसाठी, छोटे छोटे शॉर्ट्स घेण्यासाठी। त्यामध्ये मग थोडेसे बोल्ड सीन्स करावे लागतील अशा प्रकारचं सांगून, ते बोल्ड सीन्सचं पर्यावसन सेमी न्यूड आणि न्यूड शॉर्ट्समध्ये व्हायचं, ज्यामध्ये ह्या महिला कलाकार आक्षेप घ्यायच्या आणि अशातल्याच काही महिला कलाकार क्राईम ब्रांचला अप्रोच होऊन हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। या गुन्ह्याचा तपास करत असताना असं दिसलं की अशा प्रकारे तयार केलेल्या छोट्या छोट्या फिल्म्स म्हणा, छोट्या छोट्या क्लिप्स म्हणा, छोट्या शॉर्ट स्टोरीज म्हणा, ह्या तयार करून काही वेबसाईट्सला आणि काही मोबाईल ऍप्सला ह्या विकल्या जात होत्या। यामध्ये काही आरोपी, 9 आरोपी ऑलरेडी अरेस्ट केलेले आहेत, ज्यामध्ये काही प्रोड्युसर आहे रोवा खान म्हणून, गहना वशिष्ठ, तन्वीर हाशमी, उमेश कामत आणि असे इतरही काही आरोपी ऑलरेडी अरेस्ट केलेले आहेत। यांचे वेगवेगळे ऍप्स आणि वेबसाईट्स असायच्या, ज्यांच्यावर हे प्रोड्यूस केलेलं हे कॉन्टेंट जे आहे हे विकायचे आणि त्या वेबसाईट्सला किंवा ऍप्सला मग सबस्क्रिप्शन बेसिसवर त्याचं पुढचं अकाउंटिंग व्हायचं। ह्या ऍप्स, हे जे ऍप्स जे पकडले, जे फाइंड आउट झालेले होते, त्याच्या तपासामध्ये असं निष्पन्न झालं की उमेश कामत नावाचा जो व्यक्ती आहे हा इंडिया हेड होता, इथला बिझनेसमन आहे राज कुंद्रा यांच्या कंपनीमध्ये एक इंडियाचे ऑपरेशन्स बघायचा। त्यामध्ये अजून खोल तपासावर गेलं असता असं निष्पन्न झालं की यांची जी कंपनी आहे राज कुंद्रा यांची वियान कंपनी आहे, वियान मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस मराठी में हो रही है। हमारे सहयोगी आशीष जुड़े हुए हैं जो इसे आपको हिंदी में अनुवाद कर बताएंगे कि किस तरह से मुंबई पुलिस अपनी बात को रख रही है इस केस में। नावाची कंपनी स्थित आहे जी, पूरे मामले में जो मुंबई पुलिस कह रही है उसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि साल 2021 में फरवरी में एक पोर्नोग्राफी से जुड़ा हुआ मामला जो है वो बंद किया गया था, जिसमें साफ तौर पे कई मॉडल्स, कई एक्ट्रेसेस जो थी उन्हें ऑफर दिया गया था कि उन्हें कई शॉर्ट फिल्मों में और ओटीटी पे जो वेब सीरीज है उसके लिए ऑडिशन देना है। इस दौरान उन्हें ऑडिशन के नाम पे बुलाया जाता था और इसके बाद उन्हें जो है बोल्ड सीन्स करवाए जाते थे और फिर इसके बाद इस तरह से कई मॉडल्स को, कई लोगों को फंसाया गया था। ऐसी ही शिकायत मुंबई क्राइम ब्रांच के पास पहुंची थी और क्राइम ब्रांच ने जब जांच करनी शुरू की तो इसमें गहना वशिष्ठ समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उसमें जो है एक कई ओटीटी प्लेटफॉर्म और कई ऐप के बारे में जानकारी मिली थी जिसकी कड़ियां राज कुंद्रा से जुड़ती हुई साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। हाँ, सखोल तपास करत असताना
ज्या सर्व गोष्टी हे सर्व धागेदोरे सापडले त्यांचे काही व्हाट्सअप ग्रुप सापडले पता चला की अकाउंटिंग शीट सापडले जो काही अकाउंट है वो जो है यूके बेस्ड एक ऐप से जुड़े हुए हैं जहाँ पे ये पॉर्न वीडियोस भेजे जाते हैं और वहाँ से फिर उन पॉर्न वीडियोस को अपलोड किया जाता है, सब्सक्राइबर्स जो है वो लिए जाते हैं। वो कंपनी राज कुंद्रा से जुड़ी हुई थी। कंपनी के जो सीईओ थे, यूके में जो कंपनी थी जिसको सीईओ थे वो राज कुंद्रा के रिश्तेदार है और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं उस कंपनी को राज कुंद्रा ही ऑपरेट कर रहे थे। त्यांना ह्या दोघांना सुद्धा काल रात्री अटक केली आहे। आता पुढचा तपास सुरू आहे। रॉयन जो है जो उसके करीबी था जो पूरे ओटीटी ओटीटी प्लेटफॉर्म को ऑपरेट कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच जारी। त्याला जून 2020 साली ते टेकडाउन केलं होतं आणि नोव्हेंबर 2020 साली गुगल प्ले स्टोर ने सुद्धा ऐप कई जो एक पहले राजकुंद्रा द्वारा कंपनी बनाई गई थी वो प्रदीप बख्शी नाम का जो उनका रिश्तेदार था उस कंपनी को एक ऐप बना के बेची गई थी इलेक्ट्रॉनिक और उसी ऐप का इस्तेमाल जो है वो कहीं न कहीं इस पोर्नोग्राफी के रैकेट को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। फरवरी 2021 में क्राइम ब्रांच मुंबई ने मालवणी पुलिस स्टेशन के अंदर पोर्नोग्राफी फिल्म्स के सिलसिले में एक केस रजिस्टर किया था। उसी केस के प्रोग्रेस के तहत आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस केस में ऐसा निष्पन्न हुआ था कि जो नए कलाकार होते हैं स्पेशली महिला कलाकार जो होते हैं इनको प्रलोभन दिया जाता है, इनको आमिष दिया जाता है कि आपको एक अच्छी वेब सीरीज हम दे सकते हैं या कोई शॉर्ट स्टोरीज में आपको हम अच्छा ब्रेक दे सकते हैं। ऐसे करके आप उनका ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था या कुछ शॉर्ट्स लिए जाते थे और इस शॉर्ट्स में थोड़ा सा बोल्ड सीन करना पड़ेगा, वो बोल्ड का ट्रांसलेशन धीरे धीरे सेमी न्यूड और फिर फुल न्यूडिटी के तरफ वो पिक्चराइजेशन जाते थे जिसमें ये महिला कलाकारों ने अपोज किया था और इन्हीं में से कुछ क्राइम ब्रांच के पास आई थी जिसकी वजह से ये गुनाह दाखिल हुआ था। इस गुन्हे का तपास करते हुए आज तक रादर कल तक क्राइम ब्रांच ने 9 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसमें ऐसे कुछ प्रोड्यूसर्स पाए गए हैं कि जो इन टाइप की जो पोर्नोग्राफिक फिल्म्स होती है, छोटी छोटी क्लिप्स होती है उसको प्रोड्यूस करवाते हैं, फोर्सफुली प्रोड्यूस करवाते हैं। इसमें जैसे रोवा खान को ऑलरेडी अरेस्ट किया, उनके हस्बैंड को भी अरेस्ट किया है, गैना वशिष्ठ को अरेस्ट किया है, तनवीर हाशमी को भी अरेस्ट किया है, उमेश कामत नाम के एक बंदे को भी अरेस्ट किया है जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ऐसे पता चला कि ही वॉज लुकिंग आफ्टर दी इंडिया ऑपरेशंस फॉर दी कंपनी ऑफ मिस्टर राज कुंद्रा जो कि एक मुंबई के बिजनेसमैन है। उसका और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हुए ऐसे पता चला कि इनकी राज कुंद्रा इनकी जो वियान कंपनी है मुंबई स्थित इनका टाइप हुआ है केमरिन नाम की एक कंपनी है जो कि लंदन स्थित है, यूके स्थित है। ये केमरिन कंपनी के ओनर जो है ये राज कुंद्रा इनके ब्रदर इन लॉ ही है और इस केमरिन कंपनी का ऐप है जो कि हॉटशॉट्स इस नाम से चलता था। इस हॉटशॉट्स पे ये जो भी कंटेंट क्रिएट किया जाता था ये कंटेंट राज कुंद्रा और केमरिन की कंपनी खरीदती थी और उसको पब्लिश करती थी हॉटशॉट्स नाम के ऐप के जरिए। हालांकि ये कंपनी केमरिन और हॉटशॉट्स लंदन में रजिस्टर्ड है लेकिन इसका पूरा कंटेंट क्रिएशन ये राज कुंद्रा इनके मुंबई स्थित ऑफिस से किया जाता था। कंटेंट क्रिएशन, इसके पूरे ऑपरेशंस, इसका पूरा अकाउंट मैनेजमेंट
पायरेसी रिलेटेड इशू, ये सारे के सारे वियान के ऑफिस से मुंबई से ही किए जाते थे। जब ये पूरे डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हमारे पास आए तो हमने कोर्ट से सर्च वारंट लेके उनके ऑफिसेस कल सर्च किए और इसमें ये सारी चीजें हमको मिली, इंक्लूडिंग अ फ्यू क्लिप्स वर ऑब्टेंड फ्रॉम द कंप्यूटर्स ऑफ देयर ऑफिसेस। इसीलिए कल रात में राज कुंद्रा और उनके जो आईटी हेड है रायन थॉर्प, उनको कल अरेस्ट किया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। अभी इसमें हॉटशॉट्स नाम का जो ऐप है, ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट होने की वजह से कंप्लेंट्स गई, जिसकी वजह से एप्पल स्टोर ने जून 2020 में इसको टेक डाउन कर दिया था और नवंबर 2020 में गूगल प्ले स्टोर ने भी इसको टेक डाउन कर दिया था। नाउ फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। थैंक यू। क्राइम ब्रांच मुंबई रजिस्टर्ड एन ऑफेंस इन फेब्रुआरी 2021 एट मालवणी पुलिस स्टेशन। मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जानकारियां सुन रहे हैं किस तरह से राज कुंद्रा की गिरफ्तारी से पहले महत्वपूर्ण तथ्य मिले मुंबई क्राइम ब्रांच को, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष। आशीष, वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई पुलिस ने साझा किए हैं? इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज कुंद्रा की भूमिका को लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच जो इन्वेस्टिगेशन सारा किया गया है, जिसमें साफ तौर से बताया गया कि एक कंपनी थी वियॉन कंपनी जो बनाई गई थी राज कुंद्रा की कंपनी, ये वियॉन कंपनी कैमरन करके एक दूसरी कंपनी है जो लंदन बेस्ड है, उस लंदन बेस्ड कंपनी के जो सीईओ है प्रदीप बख्शी, वो खुद जो है इनके ब्रदर राज कुंद्रा के ब्रदर इन लॉ है, इन दोनों ही कंपनियों का टारगेट था। इस दौरान जो है उन्होंने एक ऐप बनाया हुआ था जिसका नाम था हॉटशॉट। ये हॉटशॉट जो ऐप था, इस ऐप पर पॉर्न फिल्में दिखाई जाती थी, उसके सब्सक्राइबर्स लिए जाते थे और पैसे वसूले जाते थे, जिसकी मोटी कमाई होती थी। अब इस पूरे मामले में ये भी उभर कर सामने आया कि ये पॉर्न फिल्में बनाने का एडिट से लेकर जो भी पूरा ऑपरेशन होता था, वो पॉर्न फिल्मों को शूट करना, बनाना, उन्हें टेलीकास्ट करने के लायक जो है उसकी क्वालिटी देना, ये सारे काम। आशीष, आपके पास दोबारा आऊंगी, लगातार इस खबर पर हम बने हुए। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, जल्द लौट रही हूँ।